और खबर यह है कि राष्ट्रपति से एनडीए का प्रतिनिधिमंडल मिला है। जी हां, मुलाकात की है, राष्ट्रपति को प्रतिनिधिमंडल ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। तो एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है, जिस बात का इंतजार था तमाम सियासी हलकों में, और अब लगातार सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ता हुआ एनडीए गठबंधन, जिसे लेकर के समर्थन पत्र राष्ट्रपति को सौंपा गया है। शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति भवन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लगातार घटनाक्रम आज तेजी से बढ़ता हुआ देखने में मिला। दिन में यहाँ पुराने संसद भवन या संविधान भवन में, संविधान सदन में एनडीए की बैठक हुई। एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति से सभी सहयोगी दलों की तरफ से नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। उसके बाद अभी एनडीए के नेताओं की तरफ से राष्ट्रपति से मुलाकात की गई है। प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात करके समर्थन पत्र सौंपा है। मतलब ये कि हम सभी एनडीए के घटक दल जिन्होंने प्री पोल अलायंस किया था, हम अपने सांसदों का, हम अपनी पार्टी का समर्थन नरेंद्र मोदी को देते हैं। और अभी ये जानकारी और खबर भी मिल रही है कि 4:30 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति से मिलकर जाकर मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिले बहुमत के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में हुई एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता सभी 293 सांसदों की तरफ से चुना गया। उनका हस्ताक्षरित जो समर्थन पत्र है वो राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है। और राजनाथ सिंह ने सबसे पहले नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिस पर अमित शाह, नितिन गडकरी समेत एनडीए के सभी साथी दलों के सांसदों की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से समर्थन किया गया। और एनडीए सांसदों के समर्थन के बाद नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। तीसरी भव्य जीत के बाद नरेंद्र मोदी जब संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पहुंचे तो पूरा भवन तालियों की गूंज से सराबोर हो गया और मोदी मोदी के नारे भी लगातार वहां पर सांसदों की तरफ से, नेताओं की तरफ से सुनाई दिए। नरेंद्र मोदी के सम्मान में सभी सांसदों ने करतल ध्वनि से उनका इस्तकबाल किया। और इस दौरान नरेंद्र मोदी अपने साथी दलों के नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की। 3 अहम तस्वीरें इस पूरे बैठक के दौरान की सेंट्रल हॉल की आपकी टीवी स्क्रीन पर।